बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंधी पुलाव बना रहे हैं। सिंधी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करने के लिए हमने एक कप ऑयल और आधा कप घी लिया है। आप सिर्फ ऑयल भी ले सकते हैं। और तीन अदद प्याज लिए हैं। तीन अदद प्याज लेकर उनको बारीक काट लिया है। देखें प्याज अब थोड़ी फ्राई होना शुरू हो गई है, ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम प्याज हमारी थोड़ी आधी से ज़्यादा हो गई है फ्राई। अब हम इसके अंदर बादियान, तेज़पात कुछ और दालचीनी, चार से छः अदद इलायची, आधी टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून जीरा और कुछ लौंगे डालेंगे 8 से 10। ये डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, एक टेबल स्पून अदरक है, एक टेबल स्पून लहसुन, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसी में हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भूनेंगे। तीन से चार मिनट चिकन फ्राई होने के बाद इसमें बाकी मसाले डालेंगे। चिकन हमारी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर दो अदद टमाटर बारीक काट के डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने चिकन फ्राई किए। अब एक टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और एक टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। चिकन को गलने के लिए थोड़ा पानी डालें एक गिलास और इसको ढक देंगे हम। कम से कम चिकन 75-80% गल जानी चाहिए। चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे, 8 से 10 अदद, आपने टेस्ट के हिसाब से। पानी डालेंगे चावल डालने से पहले। चावल हमने 700 ग्राम चिकन थी और तकरीबन 700 ग्राम ही चावल हैं। अच्छी तरह से धो के चावल हमने भिगो दिए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड करें, चावल से ज़्यादा, लेकिन चावल हमने लिए हैं बासमती और उनको आधा घंटे पहले धो के भिगो दिया था। अब हम ये चावल पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। पानी उबलने के बाद हम चावल इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक हमने पहले ऐड करी थी चिकन में,
और नमक चेक करने का तरीका ये कि जब चावल का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो आप इसकी नमक को चेक करिए, चेक किया, और फिर आपको नमक कम लगे तो मजीद डालिए। अब उबाल आ गया पानी में, अब हम चावल को, हमने पानी अच्छी तरह से निकाल दिया था, अब वो चावल हम इस पानी में ऐड कर देंगे। हमने गोश्त को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाया था 100%, क्योंकि अगर आपका गोश्त मुकम्मल गला हुआ है तो फिर चावल पकने के दौरान वो मज़ीद गल जाता है, उससे गोश्त टूट जाती है। पुलाव बनाते वक्त हमेशा थोड़ा सा गोश्त 20% छोड़ दीजिए, ताकि वो जब आप चावल के साथ पकाएं तो बकिया वो गल जाए उसके साथ। जब चावलों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर आप नमक चख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी नमक को सेट कर लीजिए। हमारे चावलों की नमक बिल्कुल सही है, इसमें और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी मज़ीद खुश हो जाए उसके बाद हम चावलों को ढक देंगे। पानी थोड़ा है इसमें, आप इस वक्त पानी थोड़ा सा नीचे है अभी, देखें चावलों में, इसी इतने ही पानी में हम चावलों को दम दे देंगे। इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेमन इस तरह काट के डाल दीजिए, खुशबू के लिए डालना है सिर्फ, और ज़र्दे का रंग, ये डालकर आप इसको दम पे रखते हैं, इसी पानी में ये दम हो जाएगा। हल्की आंच पे इसको कम से कम 15 मिनट दम देंगे। सिंधी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, इसे निकाल के दिखाते हैं आपको, देखो खेले खेले चावल बने।